नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाजार के पंडित में। तो दोस्तों बात करेंगे कल के बाजार के बारे में, और कल भी आपको अनसर्टेनिटी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। ये हफ्ता बहुत ही अनसर्टेन रहेगा क्योंकि हर एक पर्टिकुलर डे पे आपको एक नया डेटा देखने को मिलेगा। तो अगर आप मिस नहीं करना चाहते हैं कल बैंक निफ्टी का टाइम प्रेडिक्शन, जो कि 9:00 देखिएगा 10 या 15 मिनट पर आपको देखने को मिलता है, तो ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को अगर आपको ऐसा प्रॉफिट कल करना है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर बताने वाला हूं, और ये FIIs की तरफ से है। और आपने देखा कि इतने दिनों से लगातार सेलिंग चल रही थी, और आप देख भी सकते हैं 9 फरवरी पूरा ये फरवरी का जो महीना था उसमें अगर आप देखेंगे तो लगातार आपको सेलिंग देखने को मिली है। तो पहली बाइंग आपको देखने को मिली है फरवरी की, कब, जब पूरा कम से कम कह सकते हैं आधा जो है आपका फरवरी बीत चुका है। तो पहली बाइंग ये जो है ये बिल्कुल एक तरीके का ट्रैप है, इसमें आपको बिल्कुल भी नहीं आना है, क्योंकि हल्का सा रिलैक्स होकर बाद में सेल करेंगे अकॉर्डिंग टू द डेटा FIIs। तो इसमें आपको ट्रैप बिल्कुल भी नहीं होना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ट्रैप बिल्कुल भी नहीं होना है। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जनवरी के महीने में देखिएगा एक दो बाइंग आई थी, उसके बाद काफ़ी हैवी सेलिंग आपने देखी एट द एंड ऑफ द जनवरी। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा सिनेरियो समझ में भी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो FI इंडेक्स फ्यूचर में जो है वहाँ पे आपको बिकवाली करते हुए देखने को मिल रहा है। यानी कि कैश इक्विटी में कुछ स्टॉक्स पे उन्होंने देखिएगा बेट करी है, और कुछ स्टॉक्स पे उन्होंने काफ़ी अच्छा पैसा लगाया है, बट इंडेक्स जो है इंडेक्स में देखिएगा उन्होंने सेलिंग करी है। तो अभी जैसे ही डेटा आएगा, जो डेटा आपको बताया इन्फ्लेशन का आना है, फिर डेटा आपका बहुत ही बड़ा डेटा आना है अमेरिका से, तो आप समझ सकते हैं कि उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और जब उसका इम्पैक्ट पड़ेगा तो FIIs फिर से सेलिंग कर सकते हैं ऊपर के लेवल पे। तो इसलिए कॉशियस रहिएगा 18,000 के लेवल के आसपास, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इंडेक्स में है अभी भी सेलिंग चल रही है, चाहे वो जनवरी हो और वो चाहे फरवरी हो। तो FIIs के एंगल से अभी हमें बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं होना है जब तक हमें देखिएगा क्लियरिटी ऑफ डेटा हमारे पास ना आ जाए। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। आगे अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे मैं आपको दूसरी स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ कि कल के सेंटिमेंट, मोस्ट ऑफ द सेंटिमेंट ऐसे हैं जो ट्रिगर भी होंगे और जो सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी को कल देखिएगा सक्सेस करेंगे। यानी कि कल सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी मोर कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगी, क्योंकि हमारा डॉलर इंडेक्स भी जो 101 के पास था वो 102 के पास, फिर 103 के पास, फिर 103 के ऊपर आया था, फिर 103 के नीचे चला गया था, लेकिन फिर से रिबाउंड कर दिया है फ्राइडे के सेशन में। और ये डेटा पर्टिकुलर और भी बढ़ सकता है, 104 पे भी जा सकता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा डेटा आने वाला है अमेरिका से, जो मैं आपको बता देता हूँ। वो डेटा है, आपको पता होना चाहिए, ग्लोबल इकोनॉमिक डेटा पॉइंट मैंने खोल लिया है, और वो आपको बताना चाहिए अमेरिका से आएगा। अमेरिका से आएगा ट्यूसडे को आएगा इन्फ्लेशन का डेटा फरवरी मतलब जनवरी का। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पोल्स आपको कल देखने को मिल जाएंगे। डाउ फ्यूचर्स पे कल ही रिएक्शन देखने को मिलेगा, डोजोस पे कल ही रिएक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि पहले बाजार ज़्यादा नर्वस होता है। यानी कि जो डेटा है उसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जिसमें ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं लिटिल बिट डेटा इन्फ्लेशन का थोड़ा सा बढ़ के आ सकता है, थोड़ी सी डिमांड में रिकवरी देखने को मिल सकती है, ये होप है मार्केट की। और उस पर्टिकुलर होप को लेकर मार्केट थोड़ा सा नर्वस हो सकता है। एक्चुअल में जो डेटा आएगा वो तो आएगा ही, लेकिन जैसे ही डेटा आएगा, डेटा एक नहीं आना है, देखिएगा यहाँ पे आपको यूरो एरिया में GDP का डेटा आएगा, फिर अगर आप देखेंगे जापान से GDP का डेटा आएगा, चाइना से बैलेंस ऑफ ट्रेड का डेटा आएगा, फिर वेनेजुएला को क्रूड ऑयल का डेटा आएगा, फिर आपको पता है हाउसिंग सेक्टर का डेटा आएगा। मतलब पूरा हफ्ता डेटा आता रहेगा, मार्केट रिएक्ट करता रहेगा, कोई भी एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन आपने मिस करी और आप फिर देखिएगा बड़े लॉस में चले जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे डेटा आएगा वो इंडिकेट कहाँ पे होगा, आपके डॉलर इंडेक्स पे। अगर डॉलर इंडेक्स 104 का लेवल तोड़ देता है तो आप समझ जाइएगा डेटा आपके फेवर में नहीं आया है, कहीं से भी 1% भी फेवर में नहीं आया है। और दूसरी बात, इसका रिएक्शन आएगा
आपकी करेंसी में, आपकी करेंसी 83 की तरफ देखिएगा बढ़ने लगेगी। और जैसे ही करेंसी 83 की तरफ बढ़ने लगेगी, बैंक निफ्टी को प्रॉब्लम होने लगेगी, तो आप समझ जाएंगे कि डेटा हमारे फेवर में नहीं आ रहा है। इसलिए कह रहा हूँ फोकस करिएगा। बॉन्ड मार्केट भी अभी हमारे फेवर में नहीं है। आप देखेंगे 10-ईयर बॉन्ड यील्ड फ्राइडे को 1.5% से ज़्यादा ऊपर बंद हुआ है। अगर डेटा हमारे फेवर में नहीं आता तो बॉन्ड मार्केट भी तुरंत जंप कर जाएगा, क्योंकि फेड मिनट्स जब होंगे तो फेड मिनट में देखिएगा अकॉर्डिंग टू द डेटा फेड कॉमेंट्री करेगा। तो अगर डेटा अच्छा आया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खराब आया तो आपको पता है कि उससे भी ज़्यादा खराब कॉमेंट्री आपको देखने को मिलेगी, जो कि बॉन्ड मार्केट के लिए प्लस पॉइंट होगा। तो इसलिए थोड़ा सा फोकस करिएगा। अगर फ्राइडे का सेशन बोलेंगे आप अगर अमेरिका का, तो अच्छा नहीं रहा था। देखिएगा नैसडैक टेक स्टॉक्स में काफ़ी गिरावट है, डो जोन्स अलग चल रहा है, तो इस पर आप रिलाय नहीं कर सकते। आप ऊपर की तरफ सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी रखिए। फ्लैट ओपन होते हैं, ऊपर ओपन होते हैं, थोड़े से बेटर है, लेकिन आपको स्ट्रैटेजी ये रखनी है कि जैसे ही देखिएगा 17,960 के आसपास मार्केट आपको देखने को मिले, तो आप समझ जाइएगा ट्रिगर ये काफ़ी अच्छा है ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस का। नीचे की तरफ सपोर्ट आपको पता है 17,770 का है और फिर 17,700 के आसपास का है। तो इन पर्टिकुलर लेवल पे कल बहुत ज़्यादा फोकस करिएगा और चार्ट मिस करिए। अगर आप चार्ट नहीं मिस करते तो एक ही चार्ट आना है और वो आपको आराम से देखिएगा प्रॉफिट देगा और चुपचाप आप ऐप को क्लोज कर सकते हैं। निफ्टी बैंक का चार्ट आपको देखने को मिलेगा और बहुत अच्छे लेवल पे निफ्टी बैंक है। 640 रहेगा पहला लेवल, 41,770 तोड़ नहीं पा रहा है, कितने दिनों से मैं बता रहा हूं। और अगर इसको तोड़ देता है तो ऊपर की तरफ देखिएगा 840 के द्वार खुल जाएंगे। नीचे की तरफ बहुत आराम से देखिएगा ये सपोर्ट बन रहा है, जब तक ये नहीं टूट रहा इसी रेंज में निफ्टी बैंक रहेगा, टूटा तो 41,000 पे देखने को मिलेगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।